वापस आ रही है ना, हेलो गाइज, माय नेम इज उमंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बालों का ध्यान किस तरह से रख सकते हो। मैंने अराउंड 8 महीने से बाल नहीं कटा है। अक्टूबर महीने में मैंने थोड़ी सेटिंग की थी बालों में बिकॉज ऑफ फैमिली फंक्शन, बट ज़्यादा नहीं काटे थे, थोड़े थोड़े काटे थे। तो इस पूरे वीडियो में जो मैं फॉलो करता हूँ मेरे हेयर को हेल्दी रखने के लिए, मैं क्या मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, आपके मॉम और डैड पे डिपेंड करती है, ग्रैंड पेरेंट्स पे डिपेंड करती है कि उनके बाल कैसे हैं, लाइक उनके बाल कर्ली है, स्ट्रेट है, सिल्की है। आपके बालों का स्ट्रेट होना, कर्ली होना, सिल्की होना, सफ़ेद होना, ये सारी चीज़ें आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, आपके मॉम और डैड पे डिपेंड करती है, ग्रैंड पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। इन माय केस मेरे मॉम डैड के हेयर स्ट्रेट है एंड मेरे सिल्की है, मेरे भाई के भी सिल्की है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो हैबिट्स पे भी डिपेंड करती है। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर हैबिट्स, आपके बाल वक्त से पहले झड़े नहीं, सफ़ेद ना हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डैंड्रफ बिल्कुल भी ना। लाइक मैं मेरे बालों का ध्यान कैसे रखता हूँ ये पूरे वीडियो में बताऊँगा। मैंने इतने बड़े बाल मेरी लाइफ में बड़े नहीं किए थे, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं इतने बड़े बाल किए हुए हैं। मैंने मेरी फुल टाइम जॉब चालू है, फुल टाइम यूट्यूबिंग नहीं, मैं पूरे दिन घर पे नहीं रहता हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ पूरे दिन। मेरी फुल टाइम जॉब चालू है तो बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए हेयर को बहुत, मतलब बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ट्रेन ट्रैवलिंग भी हो गई, उसके बाद बस से ट्रैवल भी करता हूँ, ऑटो से भी ट्रैवल करता हूँ, देन सेम रिपीट होता है घर पे आने के टाइम, ऑफिस जाने के टाइम एंड आने के टाइम भी। तो मैं क्या क्या करता हूँ वो भी आपको मैं बोलूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं मेरे बालों के बारे में बताना चाहूँगा, मैंने मेरे बाल पे कभी भी लाइफ में कलर नहीं किया है एंड हेयर ड्रायर भी यूज़ नहीं किया है। वैक्स कभी कभी मैंने किया है, इवन अभी भी मेरे पास है, एंड मैं जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करता हूँ मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूँगा एंड किसी किसी प्रोडक्ट की लिंक भी शेयर कर दूंगा अगर मुझे मिली तो। मैंने कभी हेयर कलर यूज़ नहीं किया है, बालों को टॉर्चर ज़रा भी नहीं किया हुआ है। एंड स्प्रे आता है जो होल्ड करके रखते हैं बालों को ऐसे, वो भी मैंने लाइफ में कभी यूज़ नहीं किया है। मैंने देखा हुआ है जो डांसर्स वगैरह लोग होते हैं वो लगाते हैं। एंड बालों एंड अगर इतने बड़े बाल है तो हेड पहनना भी बहुत कंपलसरी हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि आप पूरे पूरे दिन हेड पहन के रखो। कभी कभी मैं करता था, बिकॉज अगर आप पूरे दिन हेड पहन के रखोगे, कैप पहन के रखोगे, तो आपको क्या होता है कि ना पूरे दिन अगर हेड पहन के रखोगे तो ना बालों को ना फ्रेश ब्रीथिंग एयर नहीं मिलती है, तो एक हीट जनरेट होती है, उसके वजह से आपके बाल झड़ भी सकते हैं। तो इसके लिए पूरे दिन हेड पहनना अवॉइड करो। मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप कब कब हेड का यूज़ कर सकते हो, हेड और बंडाना का। मैं आपको बेसिक से स्टेप्स बताऊंगा, हम कोई प्रोफेशनल तो नहीं कि हमको सभी की सभी चीज़ें आती है बालों के बारे में। तो मैं किस तरह से मेरे बाल का ध्यान रखता हूँ मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेप नंबर 1, एवरी अल्टरनेट डे यू हैव टू वॉश योर हेयर विथ शैम्पू एंड कंडीशनर। एंड आप अगर ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है, मिट्टी है, तो आप डेली रेगुलरली भी वॉश कर सकते हो, डेली भी वॉश कर सकते हो अपने हेयर को, बट मैं प्रेफर करता हूँ एवरी अल्टरनेट डे को वॉश करना चाहिए बालों को। एंड आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी एवरी अल्टरनेट डे करो। जब आपके बाल इतने बड़े हो गए या फिर है, तो आप अल्टरनेट डे शैम्पू यूज़ कर सकते हो, लाइक अल्टरनेट डे वॉश कर सकते हो। अगर नहीं है फिर भी वॉश कर सकते हो, बट मेन प्रॉब्लम आती है कि मॉर्निंग में हमें टाइम नहीं होता है, ऑफिस जाना होता है, तो उससे पहले ड्राई भी करना है, देन प्रॉपरली कॉम्ब करके बाहर जाना है, तो उसमें वो बहुत टाइम भी लगता है अगर आपको प्रॉपरली आपके बाल को मेंटेन करना है तो। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आज मुझे मेरे बाल वॉश करने हैं मॉर्निंग में, मैं मॉर्निंग में ही वॉश करता हूँ। बहुत लोग नाइट को भी धोते हैं बाल को, बट मैं मॉर्निंग में प्रेफर करता हूँ। अगर समझो मैं कि आज मैं मॉर्निंग में बाल अगर शैम्पू करने वाला हूँ, तो उसके लास्ट नाइट में तेल लेके बालों में अच्छे से मसाज कर लेता हूँ, लाइक चंपी कर लेता हूँ। लाइक ये मेरी हैबिट है बचपन से मैं बहुत ज़्यादा तेल डालता था। अभी भी थोड़ा थोड़ा मैंने कम किया है, बट बचपन में बहुत ज़्यादा था हमारे, लाइक स्कूल वगैरह में भी बहुत था। तो मैं क्या करता हूँ, रात को सोने के पहले मैं थोड़ा सा खोपरेल तेल लेता हूँ या फिर आलमंड का भी तेल है, वो ऑयल लेके मस्त सा पूरा स्प्रेड करके हाथों में बालों में हल्के से ऐसे ऐसे चंपी कर लेता हूँ एंड सो जाता हूँ। फिर मॉर्निंग में उठता हूँ एंड शैम्पू कर लेता हूँ। बालों में तो तेल एवरी नाइट लगाता हूँ, बट अगर मैं कल मॉर्निंग में बाल नहीं धोने वाला हूँ, लाइक शैम्पू नहीं करने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ऑयल डाला है रात में उसको मैं पानी से हल्के से
निकाल देते हो ऑयल को। अभी आती है बात शैम्पू की कि शैम्पू कौन सा यूज़ करें, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों में से बहुत जनों को पता भी होगा एंड बहुत जनों ने ट्राई भी कर लिया होगा कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए कौन सा शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए। लाइक ये हर एक के बालों पर भी डिपेंड करता है कि मुझे अगर ये शैम्पू अच्छे से बैठ रहा है तो आपको कोई और शैम्पू बैठता होगा, लाइक सूट करता होगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको ये शैम्पू यूज़ करना चाहिए, आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा शैम्पू सूट करता है। पर्सनली मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ पतंजलि का मिल्क प्रोटीन शैम्पू है, ये स्क्रीन पे आ गया होगा, पतंजलि का मिल्क प्रोटीन शैम्पू मैं खुद से यूज़ करता हूँ, पर्सनली मेरा फेवरेट है अभी तक का जितने भी शैम्पू यूज़ किए हैं। स्टेप नंबर 2, प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम सन से बालों को बचाना चाहिए। लाइक सन से हमको विटामिन डी भी मिलता है, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं क्या करता हूँ, लाइक ऑफिस जाता हूँ तो मैं बालों को कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ। तो ट्रेन में मैं जब भी जाता हूँ तभी मैं एक कैप डाल देता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपरली कॉम करके जाता हूँ बालों में, एंड बहुत सारी पता ही मुंबई में कितनी डस्ट है, लाइक हर जगह पर डस्ट होती है ऐसे तो, बट बाहर कितनी डस्ट होती है आप लोगों को पता ही है, और ज़्यादा अगर आपके बाल बड़े हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा आपके बालों में डैंड्रफ भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, कैप रखता हूँ हमेशा मेरे साथ, इंडिया बैंड भी रखता हूँ। ट्रेन में जैसे मैं एंटर करता हूँ थोड़ी देर के बाद मैं कैप पहन लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं ट्रैवल करता हूँ बाय रोडवेज, ऑफिस के लिए कुछ ऑटो या बस वगैरह पकड़ लेता हूँ तो उसमें भी मैं कैप पहन के रखता हूँ, बट ऑफिस जाने के बाद मैं कैप को निकाल देता हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ़ यू वेयर कैप ऑल द टाइम तो वो हीट जनरेट करती है, तो उससे आपके बाल वीक हो जाते हैं एंड जड़ भी सकते हैं। सो प्रोटेक्ट योर हेयर, आप हैट यूज़ करो, बंडाना यूज़ करो, अम्ब्रेला यूज़ करो, आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी यूज़ करो। स्टेप नंबर 3, बट बिफोर दिस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ठंडे पानी से नहाते हो या गर्म पानी से नहाते हो। मैं गर्म पानी से नहाता हूँ एंड ये चीज़ मैं 3 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तीन सालों से कि जब भी आप गर्म पानी से नहा रहे हो एंड बाल को धो रहे हो, जब भी आप बालों में गर्म पानी डालते हो तभी आपके जो पोर्स होते हैं वो हल्के से खुल जाते हैं, एंड उसके बाद जो आप टॉवल से टॉर्चर देते हो ना जो बाल में, लाइक कभी कभी कोई कोई लोग ऐसे 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 घिसता है, लाइक वेट कभी कोई कोई लोग ऐसे 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 घिसते, नहीं आपको वो नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी से जब भी आप स्नान करते हो लाइक नहाते हो तो आपके पोर्स खुल जाते हैं ना, तो आप वीक हो जाते हैं बाल, तो आपके जो बालों को अगर आप ऐसे 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 करके टॉवल से सुखाते हो तो वीक होके वो झड़ सकते हैं। आपको अपने बालों को टॉर्चर ज़रा भी नहीं करना है, आपको हल्के से ऐसे ऐसे रख कर आपके बालों को सुखाना है, हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करना है, बट डायरेक्टली नहीं सुखाना है। अगर आप नहाने के टाइम गर्म पानी का यूज़ कर रहे हो वॉश करने के लिए, तो हो जाने के बाद आपको जो माइल्ड वाटर होता है, लाइक ठंडा वाटर, पूरा ठंडा नहीं एकदम जो मीडियम नॉर्मल वाटर होता है ना, उससे एक बार उससे ना थोड़ा सा पानी ऐसा ना बालों का ऐसा फिरा लो, लाइक जो पोर्स खुल गए होते हैं ना वो हल्के से बंद हो जाते हैं, फिर आप अपने बालों को अच्छे से सुखा सकते हो, वो बाल झड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और मैंने बताया कि मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड ये मेरे लिए वर्क कर रहा है अभी भी, पहले कभी कभी मैं बालों को, मैं भी ऐसे ऐसे करता था बालों को, और मैं देखा हुआ कि मेरे टॉवल में बाल दिखते हैं कभी कभी, बाल सूख जाने के बाद हल्का सा ऑयल लेता हूँ, कोई भी ऑयल चलेगा, मैं शुड ऑयल यूज़ करता हूँ, हल्का सा ऑयल लेने का 2-3 ड्रॉप, आलमंड ऑयल भी बहुत सही आता है यूज़ कर सकते हो, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो मैं वो भी बताऊँगा आपको, कैसा फ्यूचर में बताऊँगा, तो वो लेके एकदम हल्का सा वो लेके मस्त बालों पे हर जगह पे लगा देता हूँ, ऐसा करने का लगा देना है, सबसे बेस्ट होता है वो। बट अभी तो डेली मुझे बाहर जाना होता है तो ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि लाइक आप बाहर जा रहे हो कॉम करके एंड हल्का सा ऑयल डाला है तो आपका जो फोरहेड है वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ऑयली फील होता है, लाइक आप जो बाउंसी हेयर बना के जाते हो वो बाउंसी नहीं रहते बाहर अगर जाओगे तो। नंबर 4, स्ट्रेस मत लो। आई नो कि रोज़ की भाग दौड़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों पे, लाइक ऑफिस का स्ट्रेस होता है, घर का स्ट्रेस होता है, लाइक रिलेशन में स्ट्रेस होता है, काम का खुद का स्ट्रेस होता है, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बट पता है सब लोग स्ट्रेस लेते हैं एंड सॉल्यूशन भी होता है, बट मेरे हिसाब से मैं एक बात बोलूँ तो जो होता है वो होने देने का, स्ट्रेस नहीं लेने का। एंड अगेन आई एम सेइंग यू लास्ट टाइम, इफ़ यू लव योर हेयर प्लीज़ डोंट यूज़ एनी प्रोडक्ट्स ब्लाइंडली,
भाई कोई कोई चीज़ें अच्छी होती है, कोई कोई चीज़ों में केमिकल भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि किसी में केमिकल होता ही नहीं है और ये प्रोडक्ट में केमिकल होता है, केमिकल हर एक प्रोडक्ट में होता है, बट आप क्या यूज़ कर रहे हो आप सोच समझ कर यूज़ करना। एंड बहुत लोगों का ये भी मानना होगा कि भाई मेरे बाल है यार, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ यार, बट मैं टोटली एग्री नहीं करता हूँ। आपके बाल है बट बाल झड़ भी सकते हैं अगर कुछ रॉन्ग होगा तो, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हम इंडियंस को बालों से बहुत प्यार होता है आई थिंक सो, क्योंकि मुझे तो है। देख सकते हो भाई साहब मुंबई में ज़रा भी ठंडी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये तो है कि विंडो में बंद करके बैठा हूँ उसके लिए भी गर्मी लग रही है, फ़ैन भी ऑफ है, फ़ैन ऑफ है फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता रहेगा। एंड एक प्रो टिप बोलूँगा, यूज़ ऑयल एवरी डे। कोई भी ऑयल यूज़ करना है, कोई भी आप पे सूट होता है, बट आपको ऑयल यूज़ करना है एवरी डे। चंपी करना है रात को या फिर आपको मॉर्निंग में ऑयल लगा के जाते हो फिर भी ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैंने आपको बताया है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी वीडियो आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग क्या करते हो अपने बालों का ध्यान रखने के लिए। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड बाय।